परिजनों ने लगाया प्राइवेट ट्रॉमा सेंटर के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप और कहा कि 70,000 की बात कर डॉक्टर ने बिल बनाकर दिया 96,891 रुपए का। उत्तर प्रदेश की जनपद फिरोजाबाद के प्राइवेट ट्रॉमा सेंटर का मामला सामने आया है। नरोत्तम सिंह रहने वाले आसाबाद चौराहे अमृति नगर गली नंबर 3 नरोत्तम सिंह को हार्ट अटैक आया। 9 दिसंबर 2018 को प्राइवेट ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया जबकि 10 दिसंबर को रात्रि के समय उनकी मृत्यु हो चुकी थी। परिजनों को न बताते हुए डॉक्टर ने सुबह 11 दिसंबर तक इलाज किया जबकि परिजनों ने जाकर देखा तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी। परिजनों का कहना है कि मरीजों से भाड़ा चढ़ाकर लिया जाता है यहाँ पैसा। 96,891 का बिल बनाकर बिल जमा कराने को कहा और बॉडी को ले जाने को परिजनों ने किया बवाल तो डॉक्टर ने 40,000 में किया फैसला। आखिर योगी सरकार ऐसे डॉक्टरों और ऐसे हॉस्पिटलों पर कर पाएगी कानूनी कार्यवाही? फिरोजाबाद से साहिल खान की रिपोर्ट। बताया सुबह बताया मतलब क्या अगर कोई परेशानी हुई थी किसी भी पेशेंट कौन सा सेंटर है ये? ट्रॉमा सेंटर। कौन सा? सरकारी प्राइवेट? प्राइवेट है ये। प्राइवेट है? हाँ प्राइवेट ट्रॉमा सेंटर है, सरकारी के उसके पीछे। तो यहाँ पे जब टेस्टिंग हुई तो टेस्टिंग में इन लोगों ने बताया कि इनको हार्ट अटैक हुआ है और बोले कि इनको एडमिट कराओ, तो मैंने इनको एडमिट करा दिया। उसके बाद मैं डॉक्टर साहब से बात हुई, पहली बात तो ये है कि मेरे पिताजी रात को 11 बजे एडमिट हुए थे और डॉक्टर साहब आए थे अगले दिन सुबह 3 बजे। 3 बजे उन्होंने रिपोर्ट एंड टेस्ट कराई, रिपोर्टों भी करीब करीब 10 से 12 हज़ार रुपये की हुई थी और दवा भी 5-7 हज़ार रुपये की दवा भी इन लोगों ने लगा दी थी। उसके बाद में डॉक्टर साहब आए तो डॉक्टर साहब बोले कि इनका एक टेस्ट होता है वो 5 से 6 हज़ार रुपये का होता है, आपको करवाओ। तो मैं क्या कह रहे हो, आप कितने का बिल बताया है? तो वो करवा दिया। उसके बाद में बोले ऑपरेशन हुआ तो ऑपरेशन करवा दिया मैंने, ऑपरेशन के इनने 70,000 रुपये बताए थे और बिल में देखा जाए तो बिल में 86,000 रुपये का पेमेंट लगा रखा है इन लोगों ने। क्या लगता क्या है, लापरवाही है? लापरवाही ये है कि इन्होंने ऑपरेशन करने के बाद ये अंदर ले गए ICU में, उसके बाद में इन लोगों ने हमसे मिलने नहीं दिया है और हम लोग यहाँ पूरी रात में रहे हैं। उसके बाद में जब सुबह ये 8 बजे करीब आया तो बोले कि आपके पिताजी की तबीयत खराब है, ऑपरेशन तो नहीं। फिर मैं अंदर गया तो मैंने देखा मेरे पिताजी पहले से ही ऑलरेडी खत्म हो चुके थे, तो मेरी ये समझ में नहीं आया। जब मान लो उनको कोई परेशानी हुई तो मुझे बताना चाहिए। क्या लगता है ऑपरेशन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई? ऑपरेशन